हेलो दोस्तों, तो आज ये फिलहाल यू शाम का टाइम था, लोग नहीं आज बंद हो रहा, लेकिन यू बंद करना पड़ेगा यार, लगाना पड़ेगा बार, पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल अटक रहा है, ये लग ही नहीं रहा। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये बिल्कुल टाइट दबाने लग रहे हूँ, लेकिन ये लग नहीं रहा। इस साइड की चाबी नहीं घूम रही बिल्कुल भी, अटक रही है बिल्कुल, किसी भी तरह नहीं जा रही, क्योंकि इसके अंदर ये अब जंग लग गया मेरे को लग रहा है। ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है यार, ये कैसे लग गया इसकी, और ये ऑयल लेके आया हूँ, इसके अंदर ये डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऑयल, तभी ये जर कटेगा इसका। तो अभी हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर, ढक्कन में निकाल लेते हैं पहले। ये मिट्टी का तेल है, ये भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये लग नहीं रहा आज यार, बाहर वाले दरवाजे पे बिल्कुल भी नहीं लगा, तो इसके अंदर छोड़ना पड़ेगा अब ये ज़्यादा। ओ यार, ये नीचे भी गिर गया है, तो बिल्कुल इसके अंदर कम गया, बल्कि बाहर ज़्यादा डाल दिया हमने, लेकिन अब भी ये फिर वही बात है, मेरे को लग रहा है कि इस साइड भी डालना पड़ेगा, ये यहाँ भी, तभी कुछ जर हटेगा यार इसका बिल्कुल जंग ये, क्योंकि ये कई बार बारिश के मौसम में बाहर रह जाता है ना ये लोग, तो इसके अंदर जंग लग गया बिल्कुल ज़्यादा यार, बिल्कुल चाबी नहीं घूम रही इसकी, चाबी नहीं घूमने के कारण ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा लगा के, ये दोबारा देखते हैं अब लगेगा या नहीं लगेगा। भाई कई बार घुमाना पड़ेगा इसको, नहीं अब भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी ये, लेकिन इसके अंदर से तेल भी निकला ये भी साथ में, लेकिन ये लग क्यों नहीं रहा यार, 4-5 साल हो गए इसको, इस लोग को लेके आया था मैं, 200 रुपये का लोक ले गया था, हाइसन कंपनी का, हाइसन कंपनी का भाई ये, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा यार, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये डबल लोक है ना, डबल ही साइड से लगेगा, ये इस साइड से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अब नहीं लग रहा ये। चलो इसके अंदर ऑयल डाल तो दिया, वो यार लग गया, हल्की बार लग गया, 5-4 बार हो गया, ऐसे ही देखना पड़ेगा। ओ तालम तेल गिरा माँ, तो ये अब देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये डबल लॉक है, क्योंकि ये इस साइड से भी लगता है, यहाँ से भी लगेगा, और ये यहाँ से भी, तब ये दोनों अंदर चले जाएंगे ना, तो ये तब लगेगा। ये देखो बिल्कुल आसानी से लग रहा है, बिल्कुल ईजली है, ईजली लोग लगता बिल्कुल, लेकिन पहले नहीं लग रहा था यार, बिल्कुल भी नहीं लगा पहले तो। अब इसके अंदर तेल मैंने इतना डाल दिया है, बहुत ज़्यादा, देखो ये चाबी भी कैसी होगी लोग से, ऑयल बहुत ज़्यादा डल गया इसके अंदर, मेरे को लग रहा है कि अब तो ये जंग ख़त्म ही हो जाएगा इसके अंदर का, लेकिन देखते हैं, अब तो ये लग जाएगा, लेकिन कल सुबह फिर देखना पड़ेगा, ये अटक रही है बार बार, एक आध बार अटक रही है भाई, बस हो गया, हो गया, गल दिया इसमें तेल ही उधर कट गया इसका, हाँ ये सही लग गए,
वही देखो हाथ की भी लग गया बिल्कुल, ये वही यार पता नहीं कैसे क्या होगा यार। अब चलो ये लग तो गया, अब तो लगने ही लग गया, बिल्कुल आसानी से लग रहा है। इसलिए देखो ऐसे दबाया, ऐसे घुमा दिया और ये खोलना भी बिल्कुल ईजिली हो गया। अब तो देखो तब तक ये नीचे ना जाएगा ना, तब तक ये चाबी नहीं घूमेगी यहाँ से, दोनों ही साइड से नीचे जाएगा, दोनों साइड से लगेगा, तब जाके चाबी चाबी घूमेगी इसकी। प्योर स्टील का लेकिन ये अंदर फिर भी इसके जर लग गया यार, ये पानी के कारण, क्योंकि इसके अंदर प्योर स्टील तो आता ही नहीं लगभग, वैसे कह रहा हूँ मैं प्योर स्टील नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऑयल की मिक्सिंग होती है जिसके कारण इसको जंग लग जाता है, क्रोजन क्रोजन लगने के कारण बिल्कुल धातुएँ ख़राब हो जाती हैं यार। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी है वो जंग के कारण बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसका वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर से वो परत उतरने लग जाती है जंग की लेयर। लेकिन अब ये तो अपना ताला तो अभी फ़िलहाल ठीक हो गया है, ऑयल डालने से मेरे को 2-3 दिन हो गए थे यार, बिल्कुल मुश्किल हो गया था ये लगाना, लेकिन अब ये सही लगने लग गया है। तो इसको वहाँ पे बार वाले गेट पे लगाऊंगा, तो ये बार वाले गेट पे रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इसको बार वाले गेट पे लगाऊंगा भाई।